दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर फुकरा इंसान और जिया शंकर अपने रिश्ते के बारे में बेबिका से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल बेबिका की आज तबीयत थोड़ी डाउन है, जिसकी वजह से फुकरा इंसान एल्विस और जिया शंकर तीनों ही बेबिका के पास में बेडरूम एरिया में गए। वहां पर पूछने लगे कि और बेबिका जी क्या हाल है आपके। इसके बाद में दोस्तों यहां पर काफी लंबी चौड़ी सेहत को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन यहां पर बातों ही बातों में फुकरा इंसान ने बेबिका से एक सवाल किया कि बेबिका जी आपने एक चीज कही थी कि हम दोनों अगर कभी शादी कर लेंगे तो हमारा रिश्ता जो है वो केवल 5 साल ही टिकेगा, 5 साल के अंदर अंदर हमारा तलाक हो जाएगा, ये चीज आपने क्यों कही। जिसके बाद बेबिका ने कहा कि देखो तुम मेरे कहने पर क्यों जाते हो, तुम दोनों ट्राई तो करो कम से कम। यहाँ पर फलक और जो अविनाश था उन्होंने ट्राई किया था लेकिन उनका वेट नहीं पाया, लेकिन तुम दोनों कम से कम ट्राई करो। इस पर दोस्तों यहाँ पर फुकरा इंसान ने कहा कि हमारा तो क्या है, हम तो वैसे भी एक दूसरे से प्यार करते ही हैं, हमारा तो बिल्कुल ऑर्गेनिक रिश्ता है। और जिया शंकर ने भी कहा कि हाँ भाई हम तो प्यार करते हैं एक दूसरे से। और बेबिका ने भी कहा कि वो तो हमें भी दिखाई देता है बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, ये आजकल जिया तेरे लिए क्या क्या करती है ये सब दिखता है कि कितना प्यार करती है तेरे से। इस पर यहाँ पर फुकरा इंसान को हंसी आने लगती है। वहीं दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर फुकरा इंसान जिया शंकर को बताते हैं कि तुम्हें पता है इसने हमारे बारे में कहा था कि हमारा रिश्ता जो है ना वो 5 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा। इस पर जिया शंकर ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। वहीं दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर आगे जाकर बेबिका ने कहा कि तुम दोनों का आगे जाकर कुछ ना कुछ हो सकता है, तुम दोनों किसी सॉन्ग में काम करोगे, एक सॉन्ग में, यानी कि तुम्हारा कोई सॉन्ग रिलीज होगा, एक साथ एल्बम सॉन्ग आएगा। लेकिन यहाँ पर फुकरा इंसान ने कहा कि देखो मैं किसी और के प्रोडक्शन हाउस में बिल्कुल भी सॉन्ग नहीं बनाने वाला। ये सुनकर बेबिका कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि दूसरे के प्रोडक्शन हाउस में जाओ और सॉन्ग बनाओ, तुम कोई अपना सॉन्ग बना लेना और इसको साथ में ले लेना। ये सुनकर जिया शंकर ने भी कहा कि हाँ यार ये तो हो सकता है। और फुकरा इंसान ने भी कहा कि हाँ ये जरूर हो सकता है, इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों फुकरा इंसान ने कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि वो घर के बाहर आने के बाद जिया शंकर को अपने कोई सॉन्ग में लेने वाले हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर? मुझे तो लगता है कि जब घर के बाहर फुकरा इंसान आएंगे, जिया की हकीकत पता चलेगी, तो जिया को सॉन्ग में तो लेना क्या, अपनी फ्रेंड लिस्ट में ना रखें वो। फिलहाल आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।